वेलकम टू ऑल इन एसपी क्लासेस। तो यार लास्ट में जो हमने देखा था इंस्ट्रक्शन, उसमें हमने कुछ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन और मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसमें हम ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑपरेटर्स में आपको जब भी पढ़ाया गया हो आपने देखना, बहुत से ने पढ़ा होगा, बहुत से नहीं पढ़ा होगा। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मैं आपको सब पढ़ाऊँगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है वो मुझे लास्ट में वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आपको ये सब चीज़ें पहले पता थी। आपको केवल अर्थमेटिक, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट दो चार ऑपरेटर बता के फ्री कर देते हैं, यूनरी बाइनरी समझा देते हैं, बट उनका यूजेस जो है बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर इतने सारे ऑपरेटर्स आते हैं, टर्नरी ऑपरेटर अलग चीज़ है। तो इन सबको ओवरऑल इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यार स्टार्ट टू एंड देखना, समझ में आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी थ्योरी पोर्शन पे देख लेते हैं हम क्या क्या इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे। ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी आप देख लो कि ऑपरेटर की हाईएस्ट प्रायोरिटी ये है और लोएस्ट प्रायोरिटी ये है, इसके बीच में ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी है। इसी तरह से ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं। इसमें से कुछ मैथ्स पे हो जाएंगे, कुछ बाइनरी पे होंगे जो 0-1 पे काम करेंगे। एक एसोसिएटिविटी रूल होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि आपको हर कोई पढ़ाता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर लास्ट लेक्चर में हमने भी प्लस माइनस के क्वेश्चंस करे हैं। रिलेटिव ऑपरेटर जो है ये भी आपके बिल्कुल लल्लू पंजो है, ये आपको सिखा दिए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आप पढ़ते आ रहे हो, असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपने सीख लिए होंगे, बिटवाइज ऑपरेटर आपको सब हवा काट देते हैं केवल एक सिंबल दिखा के कि ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर होता है, बट इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी आपको जानना ज़रूरी है। और आपका होता है एक टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर जो है ये भी आपको सीखना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को सबसे पहले आप ऑपरेटर प्रेसिडेंसी देख लो। ये आपका क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, ये आपका नॉट ऑपरेटर है। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एस्टरिस्क की प्रायोरिटी होती है, फिर डिवाइडेशन की, फिर मॉडुलस की, फिर प्लस माइनस, इसके बाद आपका होता है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस, ये ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड ऑपरेटर, और ये होता है असाइनमेंट का सिंबल। एसोसिएटिविटी रूल जो आती है ये हम देखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम देखेंगे। सबसे पहले ही इस लेक्चर की शुरुआत में आपको बिटवाइज ऑपरेटर से करवाऊँगा, ठीक है? अब बिटवाइज ऑपरेटर से करने के बाद हम जो बाकी की चीज़ें होंगी उनको एंड ऑफ थ्रू कवर कर रहे होंगे। बिटवाइज ऑपरेटर में आप के पास आता है पहला एक एंड ऑपरेटर जो आपका लॉजिकल एंड की तरह काम करता है, और ऑपरेटर भी आपका लॉजिकल एंड की तरह काम करता है। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये अलग है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ये बिल्कुल अलग है, बिटवाइज एक्स और जो है ये आपका स्टेबल से कवर हो जाएगा। तो शुरुआत करेंगे हम आपके लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर से। तो आ जाते हैं हम सीधे अपने प्रोग्रामिंग में आ गए। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है ये एक इटरेशन, एक लूप की तरह चलता है, और जो भी वैल्यू हम देते हैं उसको इंक्रीमेंट करके यानी उसको एक मार्जिन मान लेता है, उससे ऊपर ऊपर की वैल्यू आपको देता जाता है। वो कैसे प्रोग्राम के अंदर ही समझ में आएगा चीज, क्योंकि थ्योरी तो आपने बहुत पढ़ी। हम कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने 200 रैंडम नंबर ले लिया, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। हम इसमें एक इटरेशन, एक लूप चलाने वाले हैं। लूपिंग कैसे करेंगे हम आगे वाले लेक्चर में सीख रहे होंगे, इसमें केवल आपको समझ में आना चाहिए बस। हमने एक इंट नाम का वेरिएबल बनाया है, और वेरिएबल के अंदर हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है 200, और एक आई वेरिएबल ओल्ड लिया है जो कि हम फॉर लूप में यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हमने पहले डिक्लेयर किया है। डिक्लेरेशन का क्या खेल है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, क्यों डिक्लेयर करना पड़ता है, किस पर्पज़ से डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, वो सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में कवर किए हैं। फॉर लूप लगाने के लिए होता है देखो, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन यानी हम ज़ीरो से शुरुआत करते हैं, ज़ीरो, फिर इसको कर देंगे टर्मिनेट, फिर कंडीशन डालेंगे। तो कंडीशन क्या है, आई हम डालते हैं लेसर देन, एक सेकेंड, लेसर देन और इक्वल टू टू। अब ये हो गई आपकी, ये इनिशियलाइजेशन, ये कंडीशन, और यहाँ पे हम लेके इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट क्या ले रहे हैं हम, प्री इंक्रीमेंट ले लेते हैं,
पोस्ट इंक्रीमेंट भी होता है, प्री पोस्ट होते हैं, दो तरह के इंक्रीमेंट होते हैं। ये हमने ले लिया, फोर लूप लगा लिया, फोर लूप को टर्मिनेट नहीं करते, फोर लूप के अंदर आप आउटपुट लोगे। आउटपुट लेने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ डबल कोट परसेंट डॉट डी। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं डबल इंटीजर वैल्यू क्यों लूंगा। एक सिंबल रन करा के परसेंट डॉट डी ले लिया, स्लेशन ले लिया हमने। अब हम यहाँ पर डबल लगा देते हैं, कोमा और कंडीशन डालते हैं कि आई, एक हमने इनपुट लिया है जो कि आप इंटीजर बोल सकते हो, और उसमें हम कुछ वैल्यू इनपुट कराएंगे, और वो वैल्यू कहाँ तक इनपुट कराएंगे कि नम में हमने जो दे रखा है कंडीशन, आई की वैल्यू नम में जो हमने कंडीशन दे रखी है वहाँ तक इनपुट कराएंगे। तो ये मैंने आपको देखो शिफ्ट बता दिया, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ये हमारा साइन हो गया राइट शिफ्ट का। अब राइट शिफ्ट में जो भी वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट में मिलेगी, कैसे, यहाँ पे हम आई डालते हैं कि आई, आई जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे, आई, आई से हमें इस फॉर लूप की कंडीशन तक यानी दो वैल्यू तक हमें इंक्रीमेंट होके वैल्यू हमें आउटपुट में मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले जब तक हम रन नहीं करा देते, आउटपुट नहीं देख ले, तब तक कुछ समझ में नहीं आता। तो हम चलते हैं जीसीसी सूर्या डॉट सी। ओहो, एक्सपेक्टेड बिफोर सेमी कोलन, सेमीकोलन, प्रिंट अप परसेंट ओटी और इंक्रीमेंटल रिलेशन सेमीकोलन। ठीक है सर, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लेने हैं, पैरेंथेसिस में नहीं लिख रहे आप इसको। ये हो गया, अब हम इसको यार करा लेते हैं रन 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 रन। देखो हमारे पास वैल्यू क्या आई, दो तक वैल्यू आनी चाहिए, जीरो से इनपुट हुआ, फिर लूप घूमा, फिर वन आई, फिर लूप घूमा, फिर टू आई। अब ये वैल्यू यार अगर मैं इसमें लेफ्ट शिफ्ट, ये मैंने राइट शिफ्ट लगाया है, मैं इसमें लेफ्ट शिफ्ट लगा दूँ लेफ्ट शिफ्ट लगा दिया, तब भी मुझे कोई, मैं दिखा देता हूँ, आप चेंजेस नहीं बता पाओगे चेंजेस कैसे हुआ। C, 0, 1, 2, 0, 1, 2, ठीक है। अब लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का हमें मतलब क्या मिला, दोनों में तो सेम आंसर मिल रहा है, बट ये है कि ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट आपको वैल्यू को उसी पोजीशन से यानी 200 जो हमने लिया है इसी 200 से बढ़ा के देंगे या 200 से घटा के देंगे, तो वो होता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। और ये एक सेट मार्जिन फिक्स कर देता है कि इससे वैल्यू आपके ऊपर जानी चाहिए कि नीचे जानी चाहिए। अब वो वैल्यू हम देख नहीं पा रहे, हमें दोनों सेम मिल रहे हैं, तो इसीलिए मैं लूँगा डबल इंटीजर कि मुझे वो वाली वैल्यू भी दिखा दो। ठीक है, अब मैं रन कराता हूँ, अब मुझे वो वैल्यू जो हम देखना चाहते हैं दिखाई देगी। जीसीसी सूर्या डॉट सी डॉट बैक स्लैश एरो टीएक्सटी। दिख रही है वैल्यू, नहीं दिख रही तो अच्छा इसकी वो क्वालिटी बढ़ा लो। देखो इनिशियल वैल्यू हमने 200 दी थी, फिर लूप दोबारा घूमा, वैल्यू इंक्रीमेंट होके 400 हो गई, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होके 800 हो गई। ये दो तक क्यों प्रिंट हुई, क्योंकि लूप में हमने कंडीशन डाल दी कि दो से ऊपर वैल्यू नहीं जानी चाहिए, तो उसने ज़ीरो से काउंट किया, दो तक गया, और इसने जो हमने नंबर लिखा था 200, तो यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे नम की वैल्यू हमने 200 साइन की, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो 200 है, 200 से वैल्यू ऊपर जाएगी नीचे नहीं आएगी, यहाँ पे कहने का मतलब ये चीज़ था। और ये हमने लेफ्ट लिया है तो इंक्रीमेंट कहाँ होगा, इस आइट्रेशन पे। अगर हम क्या करना चाहें, इसको राइट कर दें राइट शिफ्ट, तो हमारी वैल्यू क्या होगी,
हमारी वैल्यू हम देखते हैं आउटपुट में, हमारी वैल्यू देखो पहले 200 थी, 200 से घट के 100 हो गई, 100 से घट के 50 हो गई, यानी कि डिक्रीमेंट हुआ। तो जो आपका लेफ्ट शिफ्ट होता है ये आपके वैल्यू से इंक्रीमेंट करके देगा, और जो आपका राइट शिफ्ट होता है वैल्यू से डिक्रीमेंट करके देगा। तो इस तरह आपको पहले किसी ने समझाया है क्या या पढ़ाया हो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट? आपको केवल हवाबाजी करती होगी। आई थिंक मुझे पता है कि बिटवाइज ऑपरेटर मुझे भी ऐसे पढ़ाया गया था, केवल ये हमें समझा दिया था कि यही आपका बिटवाइज ऑपरेटर होता है, बाकी सब हवाबाजी काट देते हैं। तो ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरी कॉम्प्लीमेंट चीज, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, ये वाला जो आप साइन देखते हो, ये आपका साइन आप देखोगे आपके कीबोर्ड पे जहाँ पे रुपए का साइन है वहाँ पे लगा रहता है, ये होता है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट, तो सेम वही चीज़ है। इसका एक जनरल फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे हुआ ऐसे बना, ये ऐसे ड्राइव हुआ है, इसको समझ लो। हमें केवल इतने से काम है कि हम जो भी इंटीजर वैल्यू एन देंगे उसमें एक जुड़ के वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी। कैसे चलते हैं, और उसके पहले एक चीज़ बता दूं कि बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट जो है ये एक यूनरी ऑपरेटर है, इसको ध्यान रखना। पूरा हमें ये रायता समेटना पड़ेगा, करते हैं कट, यहाँ पर लगाते हैं प्रिंट, प्रिंट एफ हमें आउटपुट चाहिए, सो देट परसेंट डॉट टी स्लैश एन न्यू लाइन चाहो तो ले लो, कर दो इसको डबल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर आ गया। यहाँ पे लगाया हमने कोमा, अब लगाएंगे हम कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये यूनरी ऑपरेटर होता है, इसको आप लिख सकते हो, ये मैंने ऑपरेटर यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 35 सिंगल वैल्यू पे, क्योंकि यूनरी है। अब मैं इस पे आउटपुट करूँगा तो आउटपुट में मुझे -36 देगा। 36 कैसे देगा ये मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रखा है कि मैंने एन इंटीजर लिया है और उसमें ये एक वैल्यू मुझे ऐड कर देगा, तो मेरा 36 हो जाएगा, और बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लिख रहा है इसलिए माइनस का 36 हो जाएगा। GCC surya.c.backslash.adobe.exe माइनस का 36 मिल गया मुझे। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ कि यार हमें तो प्लस में चाहिए भैया जी, हमें तो प्लस में चाहिए, तो चाहिए माइनस का 35, यही वैल्यू मैं प्लस में लेना चाह रहा हूँ। तो मुझे प्लस में देगा, करके तो देगा, लेकिन कुछ चेंजेस आ जाएंगे। कैसे? मैंने ये वैल्यू माइनस में ली, यानी माइनस का 35 ले रहा हूँ मैं, तो मेरे पास क्या होगा, बाहर का माइनस अंदर का माइनस मल्टीप्लाई होके 35 मेरा प्लस का हो जाएगा। अब ये बाहर का माइनस अंदर का प्लस मल्टीप्लाई होके -1 बन जाएगा, तो -1 है। अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा मेरे पास 34 प्लस के आएगा। चेक कर लेते हैं, कोड पे चलते हैं हमारे, थर्टी फोर आ गया प्लस के। तो आई थिंक आपको इस ऑपरेटर का यूज़ भी पता चल गया होगा। हमारी थ्योरी पर जाते हैं, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हो गया, अब एंड और बिट वाइज और ऑपरेटर, और ये आपका एक्सओर ऑपरेटर, ये भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर ये रायता हम हटाते हैं, ज़्यादा नहीं हटाते हैं, यहीं पर कंडीशन डाल के मैं आपको चेक करा दूँगा, और लास्ट में मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा कि आप इनको किस किस तरह से कोड बचा के या कोड पढ़ा के लिख सकते हो।
एंड ऑपरेटर के लिए हमने आपको टेबल समझाई थी, आई थिंक नहीं समझाई होगी। देखो टेब एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और ये एक्सोर ऑपरेटर, ये आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं। ये दो इनपुट लेंगे, अगर आपके दोनों जीरो होता है फॉल्स के लिए और वन के लिए होता है ट्रू, ये बाइनरी पे काम करते हैं। अगर आपके दोनों कंडीशन फॉल्स आती है तो एंड ऑपरेटर में भी फॉल्स मिलेगा और ऑपरेटर में भी फॉल्स मिलेगा और एक्सोर में भी फॉल्स मिलेगा। अगर एक कंडीशन एटलीस्ट ट्रू हो जाती है तो एंड ऑपरेटर तब भी फॉल्स देगा और आपका और ऑपरेटर और एक्सोर ऑपरेटर जो है ये दोनों आपके आउटपुट में वन वन दे देंगे एटलीस्ट वन कंडीशन पे। तो इसी तरह लास्ट वाला हम देखें तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब तो आपका एंड ऑपरेटर जो है वो ट्रू दे देगा और ऑपरेटर जो है वो भी ट्रू दे देगा, बट एक्सोर ऑपरेटर आपका ट्रू नहीं देगा। एक्सोर ऑपरेटर का थोड़ा सा आप अलग समझो, देखो अगर दोनों कंडीशन सेम है तब तो ये आउटपुट में फॉल्स दे रहा है, इधर भी दोनों कंडीशन सेम है ट्रू फॉल्स से मतलब नहीं है तब भी आपको आउटपुट में फॉल्स दे रहा है। लेकिन अगर एटलीस्ट एक कंडीशन सही है एक फॉल्स है यानी इन्वर्टेड कंडीशन आ रही है, एक्स और कंडीशन आ रही है, तो ये आउटपुट में आपको वन दे रहा है। समझना मुश्किल है, चलते हैं सीधे प्रोग्रामिंग पे। एंड ऑपरेटर से शुरुआत करते हैं, पहली कंडीशन में डालता हूँ कि मैंने इसे टू लिखा है, टू को मान रहा हूँ कि टू जो है एक से बड़ा है। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ एंड ऑपरेटर, एक सिंगल एंड डाल लो, डबल एंड भी डाल लो तब भी सेम आएगा वो मैं बता देता हूँ। और दूसरी कंडीशन डाल देते हैं कि टू को हम छोटा बता देते हैं फोर से, कि टू जो है वो वन से बड़ा है। एक कंडीशन ये कह रही है कि टू जो है वो वन से बड़ा है और एक कंडीशन कह रही है कि टू जो है वो फोर से छोटा, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। जीसीसी सूर्या डॉट सी डॉट बैकस्लैश डॉट exe, आउटपुट में हमें ट्रू मिला। कंडीशन होगी थोड़ी पावर शेल में डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब कंडीशन एंड की कंडीशन हमें रॉन्ग करनी है, क्या टू जो है, मैं सिक्स डाल देता हूँ, क्या टू सिक्स से बड़ा है, नहीं गलत है, तो एक कंडीशन रॉन्ग हो गई, एक कंडीशन अभी भी ट्रू है। क्या टू जो है फोर जो है वो टू से बड़ा है, तो इसमें एंड कंडीशन जो होगी वो तो हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि एंड में दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तो ये आपका आउटपुट में ट्रू देता है। ठीक है, एंड कंडीशन डाल रखी थी ना मैंने, एंड कंडीशन अब देखो मुझे फॉल्स दे दिया, ये कह रहा है कि दोनों कंडीशन ट्रू ला के दे तब मैं तेरे को आउटपुट में ट्रू दूंगा। अब मैं यहीं पर डाल देता हूँ और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर क्या कहता है मेरा, और ऑपरेटर कहता है कि तेरे पास एक एटलीस्ट एक कंडीशन तो सही है ना, यानी कि तू सही है, चल आउटपुट में ट्रू ले ले। मेरा डॉट सी डॉट डॉट बैकस्लैश डॉट exe, आउटपुट में मुझे ट्रू मिल गया। अब वहीं हम एक्सोर ऑपरेटर की बात कर ले, एक्सोर ऑपरेटर भी डाल लेते हैं। यह भी कहता है कि अगर आपके पास एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू एक कंडीशन फॉल्स है तो आपको आउटपुट पर ट्रू दे देंगे। हम चेक कर लेते हैं डॉट सी डॉट बैकस्लैश डॉट exe, तो इसने भी देखो मुझे आउटपुट में ट्रू दे दिया, वन दे दिया। तो इस तरह से आप कंडीशन चेक कर सकते हो, टेबल आपके सामने अवेलेबल है। तो बिट वाइज एक्सोर हो गया हमारा कंप्लीट, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, एंड और हो गए, और लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर देखो, लॉजिकल ऑपरेटर में मैं आपको एंड और ऑपरेटर तो अभी इसमें ने दिखाया सेम है, अगर आप इस पे सिंबल ले लो डबल एंड का तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। जीसीसी सूर्या डॉट सी डॉट बैकस्लैश डॉट exe, देखो एंड कंडीशन हमारी क्या कहती है कि एटलीस्ट दोनों सही होने चाहिए तो आपको ट्रू देगा, वरना अगर एक भी गलत है आपका तो आपको फॉल्स दे देगा, तो उसने हमें फॉल्स दे दिया। अब हम और कंडीशन यहीं पर डाल के चेक कर लेते हैं, टेबल दोनों की सेम ही रही है, चाहे सिंगल एंड यूज़ करो या डबल एंड यूज़ करो। हम और ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं, और ऑपरेटर ये कहता है एटलीस्ट वन सही है तो सही है, चेक कर लेते हैं और ऑपरेटर डाल के डॉट बैकस्लैश डॉट exe, और ऑपरेटर में वन देगा क्योंकि और ऑपरेटर की हमने टेबल देख रखी है।
एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर आपने सीख लिए। अब मैं सिखा देता हूँ लास्ट क्वेश्चन है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या है? नॉट ऑपरेटर आपका सिंगल यानी यूनरी ऑपरेटर है, और इसके लिए हमें इस कंडीशन को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस और नॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या कहती है कि चार जो है वो दो से तो बड़ा है, हमें पता है सही है, लेकिन नॉट ऑपरेटर क्या कहता है कि सही है तो उसका गलत करके दूंगा, गलत है तो सही करके दूंगा। तो हमने तो सही वैल्यू डाली है लेकिन आउटपुट में हमें फॉल्स बता देगा, जीरो दे देगा। सॉरी फाइल नेम मिस्टेक हो गया, हम इसको दोबारा से पावरशीट खोल लेते हैं अपनी। GCC surya.c.dot.backslash/etc। देखा कंडीशन हमने ट्रू डाली, दिख भी ट्रू रही है लेकिन नॉट ऑपरेटर ने उसको चेंज करके फॉल्स कर दिया। अब ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ से कवर हो जाते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर हमारे कवर हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे कवर हो गए, प्रेसिडेंसी देख लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब मैंने आपको सिखा रखे हैं। एक एसोसिएटिविटी रूल आपको समझा देता हूँ, ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट आपको सॉल्व करना चाहिए। कब कहेगा? एसोसिएटिविटी रूल हमसे लेफ्ट टू राइट के बारे में बात करती है, वो करती है जब आपके पास सेम प्रेसिडेंसी हो। अब वो भी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट पड़ रहा है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने फोर लिया, अब मैं मल्टीप्लाई का साइन ले रहा हूँ, अब मैं ले लेता हूँ कोई सी वैल्यू, थ्री ले ली मैंने, मैं इस पर डिवाइड लगा देता हूँ। अब मैं फिर से सेम प्रेसिडेंसी लेता हूँ, फिर मल्टीप्लाई लेता हूँ, टू कर देता हूँ। तो आप देखो कि मैं इस साइड से सॉल्व करूँ कि मैं इस साइड से सॉल्व करूँ, हमें हम जो सॉल्व करेंगे वो तो हमारे पास रहेगा, लेकिन कंपाइलर जो सॉल्व करेगा वही आंसर माना जाएगा। तो कंपाइलर आपका लेफ्ट से सॉल्व करता है, और आपको MCQ में ये वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। आप सॉल्व करके देखो, अगर हम राइट से सॉल्व करते हैं तो 6 × 12 और 12 डिवाइड बाय 3 तो 3 × 4 = 12, 4 × 16, 16 हमारे पास राइट से सॉल्व करने पर आ रहा है। और अगर हम लेफ्ट से सॉल्व करें तो 4 × 3 = 12, 12 डिवाइड बाय 6, 6 × 12, 2 × 4, 4 हमारे पास लेफ्ट से आ रहा है, जो कि कंपाइलर इसी को सही मानेगा। GCC surya.c what .backslash/etc। ठीक है, आउटपुट में हमें 4 मिल रहा है। तो ये एसोसिएटिविटी रूल कहती है अगर आपको सेम प्रेसिडेंसी मिल जाए तो आपको लेफ्ट से शुरू करना है। तो ये हमारी एसोसिएटिविटी रूल हो गया। चलते हैं हम ऑपरेटर से, आप देख लिया आपने एसोसिएटिविटी रूल देख लिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको एक ही बताता हूँ जिसमें सारे सिंपल हम यूज़ कर लेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा, इसी में कुछ और यूज़ कर लेते हैं, प्लस 1 कर दो और माइनस 2 कर दो, सॉरी 1 सेकेंड, माइनस 2 कर दो। तो ये कैसे सॉल्व करेगा? सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई करेगा, फिर डिवाइड, यहाँ से सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करेगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर प्लस पे आएगा, फिर माइनस पे आएगा। तो इसका आउटपुट हम सीधा निकालते हैं, GCC surya.c.backslash/etc। आउटपुट में हमने इसने 3 दिया। 3 कैसे कैलकुलेट करा? सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं, 4 × 3 = 12, 12 डिवाइड बाय, देखो हमें यहाँ पे सॉल्व करने पर 4 मिल ही रहा था, अब 4 में 1 जुड़ा हो गया 5, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, सिंपल से हो गया ना, क्योंकि 4 तो हमने पहले निकाल दिया था, उसी में एक्स्ट्रा जोड़ा है। अब रिलेशनल ऑपरेटर आ जाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर आपके बच रहे हैं, इसके बाद आपका एक टर्नरी ऑपरेटर बचेगा, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर भी बचेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर फटाफट ख़त्म करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? आपको ये रिलेशनल ऑपरेटर आंसर देंगे
ट्रू और वन के फॉर्म में। रिलेशनल ऑपरेटर यहीं पर लगाता हूँ मैं आपका रिलेशनल ऑपरेटर। ये तीन जो है वो तीन जो हमने लिया है क्या तीन तीन के बराबर है? अगर सही है तीन तीन के बराबर है तो हमें आउटपुट में देगा वन। करके देख लेते हैं। gcc surya.c.backslash.otxc देखो तीन तीन के बराबर है, आउटपुट ने हमें वन दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि यार यहाँ पर चार डाल दो, चार डाल दो या चार डाल दो। देखो gcc surya.c.backslash.otxc हमें आउटपुट में जीरो दे दिया क्योंकि तीन चार के इक्वल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ। ये नॉट ऑपरेटर मैंने यूज़ कर लिया। नॉट ऑपरेटर में क्या बताता है? नॉट ऑपरेटर कहता है कि अगर तीन चार के बराबर नहीं है, जो कि गलत है, लेकिन मैं तो ठहरा नॉट ऑपरेटर में गलत को सही बताता हूँ, तो ये मैं आउटपुट में वन दे देगा। आउटपुट में इसने वन दे दिया। नॉट ऑपरेटर हो गया, इक्वल ऑपरेटर हो गया, इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया। अब ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ये भी हम कर लेते हैं। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, चार तीन से बड़ा है, बड़ा है, आउटपुट में हमें वन मिलना चाहिए। और क्या था वे, आउटपुट में हमें वन मिल रहा है। ठीक है, हमारी पावर शेल यहाँ से थोड़ी सी मैं अगर इसको कर लूँगा नीचे तो ऊपर की स्क्रीन आपकी ढक जाएगी, तो पावर शेल दोबारा से ओपन करते हैं। नई पावर शेल ली हमने। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे तीन डाल देते हैं तो ये हमें फॉल्स देगा। बट जब हम डालेंगे कि तीन जो है वो है लेसर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू के केस में ये इसको सही मान लेगा कि तीन जो है वो तीन से तीन के बराबर तो है, भले तीन से छोटा नहीं है, तो यह हम आउटपुट पर टू दे देगा। gcc surya.c.backslash.otxc क्या हो गया, हाँ थोड़ा एरर हो गया, रन टाइम एरर, एक्सटेंशन गलत डाल दिया मैंने gcc। देखो आपका 28 मिनट की तो वीडियो भी बन रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा 40 मिनट के अंदर कवर हो जाए। .backslash.otxc अरे यार मैं एक्सटेंशन ही भूल गया भाई साहब, वो हो रहा हूँ तो यार क्या हो गया, गजनी का आमिर खान। कॉल कट करेंगे अभी लाइक शेयर के बीच पर डाउन डिस्टर्ब बैक स्लैश एडॉट exe। अरे यार क्या हो रहा है, सही में भूल गया मैं यार। देखो आउटपुट में हमें वन दे दिया। मैंने बताया था ना आपको कि तीन भले तीन से छोटा है लेकिन तीन के इक्वल है तो हमें वन दे देगा। अब हम ग्रेटर देन का साइन ले,
या अब दे पाएगा? नहीं देगा, अब ये फॉल्स देगा क्योंकि तीन तीन से बड़ा है ही नहीं। तो शेडो टी एक्स क्या हो गया रे, फंडू फंडू एंटर फॉल्स क्योंकि तीन तीन से बड़ा नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर यूज़ कर ले, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सिंपल सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब हमें आउटपुट में दे देगा वन। एक एक कोड मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। तो आराम से आपके भेजे में छप रहा होगा ये थ्योरी के साथ। 95% चार्ज हो गया हमारा, इसको ऑफ कर देते हैं पहले क्योंकि लैपटॉप जो है उसको 100% चार्ज करने से आपका बैटरी बैकअप भी। हाँ तो गाइस, जो हमारे लास्ट ऑपरेटर्स कुछ बचे थे, दो ही ऑपरेटर बचे, असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। बिट वाइज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, लॉजिकल हो गया, रिलेटिव हो गया, अर्थमेटिक हो गया, प्रेसिडेंसी हो गई और एसोसिएटिविटी रूल हो गया। तो मैं आपको सीधे टर्नरी ऑपरेटर पर लेके चलता हूँ। ये मैंने आपका प्रोग्राम बना रखा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। देखो क्या है, इंट एज, एज नाम का हमने एक वेरिएबल लिया है, हमने एक एज प्रिंट कराई है और यहाँ पर हमने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा है ताकि हम जब वहाँ पर रन कराएंगे वहाँ से हम एज इनपुट में देंगे और यहाँ पे आके एज वो स्टोर होगी और उसके बाद प्रोग्राम हमारा आगे रन होगा। और उस जो एज हमारी स्टोर होगी वो इंटीजर वैल्यू होगी, इसके लिए हमने उसको इनपुट भी ले लिया है। यहाँ पर लगाया हमने टर्नरी ऑपरेटर, हमने कंडीशन डाली है कि एज जो है, जो एज वेरिएबल है, अगर वो 18 से बड़ी एज हम डालते हैं तब तो वोट हो जाएगा कि यू कैन वोट प्रिंट हो जाएगा। और कॉलन, यहाँ पे हमने देखो सेमी कॉलन लगाया, कॉलन लगाया है, कॉलन क्यों लगाया, ताकि जो पहली कंडीशन अगर आप डालते हो, जो कंडीशन आपको ट्रू करानी रहती है उसके लिए आप कॉलन यूज़ करोगे और जो आपको फॉल्स करानी है उसके लिए आप सेमी कॉलन यूज़ करोगे। तो हमने दोनों कंडीशन देख ली है। हमारा टर्नरी ऑपरेटर का आप सिंबल भी देख लो, पहले आपको लॉजिक लगा देना है करके 18+, इसके बाद आपको जो प्रिंट कराना है वो सेमी कॉलन में, कॉलन में, उसके बाद जो आपको फॉल्स प्रिंट कराना है वो सेमी कॉलन में। तो ये प्रोग्राम आप इसका अरेंजमेंट देख लो, इस तरह से हम लगाते हैं, हम सीधे करा लेते हैं रन। और इनपुट कैसे आएगी ऑटोमेटिक, वो सब चीज़ मैं आपको आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम देखेंगे। GCC suya.c.backslash.txt ठीक है, एंटर है। देखो हमने, मैंने बताया था यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, तो अब एज का इनपुट हम यहाँ से देंगे। मैं दे देता हूँ 34 एज दे दी, तो 34 जो है वो जब यहाँ पे इस 7 वाली लाइन पे आएगी तो यहाँ पे चेक करेगी, यहाँ 34 जो है वो 18 से तो बड़ा है, तो जो ट्रू वाली कंडीशन है इसको प्रिंट करा देगी, यू कैन वोट। तो देखो यू कैन वोट हमारा प्रिंट हो गया। सेकंड वाले कंडीशन में प्रिंट करा देता हूँ मैं, suya.c.backslash.txt ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 15 एज प्रिंट कराता हूँ। ऐसे बड़े बड़े आप प्रोग्राम आगे देखोगे, इफ फॉर लूप, व्हाइल लूप, व्हाइल लूप की फेल्स कंडीशन, इसमें बहुत सारे इसमें के प्रोग्राम बना रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको टर्नरी ऑपरेटर समझने की ज़रूरत है ओनली। मैंने यहाँ पे इनपुट में 15 एज प्रिंट दी, अब मुझे क्या, ये टर्नरी ऑपरेटर जो होगा ये एक्सिक्यूट करेगा, ये देखेगा कि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, तो ट्रू वाली कंडीशन छोड़ के फॉल्स वाली कंडीशन ये प्रिंट करा देगा। प्रेस करते हैं एंटर, यू कांट वोट ठीक है। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर पे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते, मैंने ए लिखा है ए, अब मैं ए में लिखता हूँ ए प्लस इक्वल टू बी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी में जो वैल्यू ऐड होगी वो ए में असाइन हो जाएगी ठीक है। तो इसका एक प्रोग्राम बना ले सिंपल सा, इन सबको हम फ्री कर देते हैं, कट आउट। मैं लिखता हूँ इंट ए, ए ए ले लो या कोई सा भी वेरिएबल बना लो, ए इक्वल टू 3 कोमा
बी इक्वल टू फोर सेमी कोलन। ए भी मैंने दो वेरिएबल बना लिए, अब मैं सीधा से प्रिंट डालता हूँ आउटपुट कराने के लिए। पेरेंट प्रिंट डबल कोट परसेंट डॉट डी स्लैश एन कोमा। अब हम डालते हैं अपना कंडीशन, क्या डालता हूँ मैं, ए जो है हमारा ए ऐसा दो कि आप ए प्लस इक्वल टू बी हमें बना के दो। असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया मैंने सेमी कोलन, आउटपुट में देखते हैं ए में क्या वैल्यू साइन होती है। जी सी सी सूर्या डॉट सी डॉट बैक स्लैश एरो टी एक्स सी। अरे यार ये हमारा एक्सटेंशन गलत डलिया, दोबारा से डाल लेते हैं। जी सी सी सूर्या डॉट सी डॉट बैक स्लैश एरो टी एक्स सी। देखो हमें सेवन प्रिंट होके मिल गया, यानी कि वैल्यू हमारी असाइन होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर दूँ, क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यार, सीधे से 4312 हमें प्रिंट करके दे दे, एम असाइन कर दे। जी सी सी सूर्या डॉट सी डॉट बैक स्लैश एरो टी एक्स सी 12 हो गया। तो इस तरह से आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगा सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर कितने होते हैं मैं आपको यहाँ पे थ्योरी में बता देता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने असाइनमेंट ये लिख तो रखे हैं, हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 तरह के आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। और यहाँ पे हमारा लेक्चर यार कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने ऑपरेटर सीख लिए, ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हमने सीख ली, बाइनरी वाले ऑपरेटर्स भी सीख लिए, एसोसिएटिविटी रूल देख लिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया, रिलेशंस देख लिए, रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर देख लिए, असाइनमेंट देख लिया, बिटवाइज देख लिया, लेफ्ट शीट राइट शीट बिटवाइज और बिटवाइज एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट एक्सोर असाइनमेंट और टर्नरी, लगभग लगभग हमने सारे ऑपरेटर्स देख मारे। तो इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको प्रोग्राम करा दूंगा, फिर हम अपनी कंडीशन पे आ जाएंगे, कंडीशनल ऑपरेटर पे, जो कि आपके इफ एल्स और स्विच ऑपरेटर होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।